हेलो फ्रेंड्स, फिंगर स्टाइल गिटार में आज हम लोग एक लीड लेसन करने जा रहे हैं और इस लीड का नाम है राम आएंगे। ये बहुत आजकल पॉपुलर भी हो रहा है, बहुत इजी सॉन्ग है, बहुत ही लिमिटेड नोट्स हैं। तो इससे पहले लेसन की शुरुआत की जाए, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं ये लेसन। ये हम ए मेजर स्केल में प्ले कर रहे हैं और हमने थर्ड फ्रेट पर कैपो लगा दिया है। अगर आप ना भी चाहो तो नॉर्मल ए मेजर में भी ये एज इट इज बन जाएगा। तो ये सॉन्ग हम बेस नोट मेथड से लेने जा रहे हैं। ए मेजर स्केल हमने यूज की है इसमें। हम चेक कर लेते हैं, जी टू एज ए सा हम प्ले कर रहे हैं, मतलब जी टू हमारा सा हो गया, सा, रे हो गया बी जीरो, गा हो गया बी टू, देन मा हो गया बी थ्री, पा हम बजा रहे हैं ई जीरो और धा बजा रहे हैं ई टू। बस इतने ही नोट्स हम बजा रहे हैं, ए बी सी डी ई और एफ शार्प, सारे गामा पाधा, बस इतने ही नोट्स में गाना हो जाएगा। अब हम इसके टैप्स देखते हैं क्या करना है। हमें ए मेजर कॉर्ड शेप यहाँ बना के रखना है और तब सारे स्टेप्स हम सेलेक्ट करेंगे। तो जो उसकी पहली लाइन है उसकी सरगम है, सा 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 रे रे गा गा, रे सा सा रे रे गा गा, रे सा सा। फिर से सा 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 रे रे गा गा, रे सा सा रे रे गा गा, रे सा सा। अब इसको हम बेस नोट के साथ बजाएंगे तो क्या करेंगे, हमने बजाया सा सा सा, यानी थर्ड वाले सा पर हमने एक बेस नोट लगाया और ये बेस नोट कौन सा हो सकता है, ए जीरो भी हो सकता है, ई जीरो भी हो सकता है। और इसको हमें अपने थंब से साइमल्टेनियसली प्ले करना है। तो हमने बजाया सा 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 रे रे गा गा, बस अभी तक एक ही बेस नोट लगाया है हमने थर्ड वाले सा पर, वो मैंने स्क्रीन में मेंशन कर दिया है, सा 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 रे रे गा गा। ये ए मेजर कॉर्ड है, हम अपनी अगर पिंकी उठा दें तो हम रे मतलब बी जीरो नोट बजा सकते हैं और पिंकी रखते ही ये गा बज जाएगा। फिर से देखते हैं, सा 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 रे रे गा गा, रे सा सा रे रे गा गा, रे सा सा। तो टोटल तीन बेस नोट लगे हैं और पूरी लाइन कंप्लीट हो गई। और ये बेस नोट कहाँ कहाँ है आप मेरा थंब देख सकते हो, सा 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 रे रे गा गा, देन रे सा रे रे गा गा, रे सा सा। तो अभी मैं ये ए स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ, हम ई भी यूज कर सकते हैं। जब ये थोड़ा स्पीड में आएगा तो कुछ ऐसे बजेगा, इसको थोड़ा और फिल करने के लिए क्या करना है, जो स्पेस हम देख रहे हैं उस स्पेस में हम ई जीरो नोट को अपनी रिंग फिंगर से सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ ऐसे। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसको यूज कर सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ठीक मुझको कॉपी करना है, आपको जहां स्पेस मिले आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे हम ले रहे हैं, मैंने इसको रेगुलरली प्ले किया, आप छोड़ छोड़ कर भी प्ले कर सकते हो। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे यूज कर सकते हो, लेकिन जब ये नॉर्मल स्पीड में आएगा तो कुछ ऐसा सुनाई पड़ना चाहिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है, पा 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 धा पा मा गा रे मा गा रे सा सा। बहुत सिंपल लाइन है, पा 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 धा पा मा गा रे सा सा, और सा सा पर हमें ए मेजर कॉर्ड पर वापस आ जाना है। तो जब हम ये लाइन बजा रहे हैं तो डी मेजर की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे पा 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 धा पा मा गा रे सा सा। और अगर ऐसे भी प्लेन बजाएं तो कोई बात नहीं। अच्छा, बेस नोट देखते हैं कहां लगाना है। हमने जब बजाया पा 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 धा तो वैसे ही थर्ड नोट, थर्ड वाले पा पर हमने ये डी स्ट्रिंग का बेस दिया। तो ओपन स्ट्रिंग है हमारी पा, मतलब ई जीरो, तो पा 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 धा, ये
D0 का साथ में बेस दिया, पा 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 धा पा मा गा रे मा गा, और इस वाले रे पर भी बेस नोट दिया ए स्ट्रिंग का रे, और सा सा पर हमने ये ए मेजर कॉर्ड रखा और G2 नोट को बजाएंगे सा सा। तो ये लाइन ऐसे आई, पा 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 धा पा मा गा रे मा गा रे सा सा। अब स्पीड में और बाद में ए मेजर कॉर्ड हमने फिर से दे दिया। अब दोनों लाइनें बजाते हैं, इस बेस नोट मेथड से इस सॉन्ग को हम फिल कर सकते हैं। तो आई होप ये लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही फिंगर स्टाइल के नए लेसन देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सुपर भोकाल। थैंक यू फ्रेंड्स।